नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध और समर्थन में अलग अलग संगठनों के प्रस्तावित कार्यक्रमों को देखते हुए जिले के शहरी क्षेत्र हरिद्वार, रुड़की और लक्सर में धारा 144 लागू कर दी गई है और साथ ही उपद्रवियों से निपटने के लिए भारी पुलिस बल भी जुटा दिए गए हैं। आपको बता दें, माहौल खराब करने की आशंका पर 150 से ज्यादा लोगों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया गया है। डीएम और एसएसपी ने उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। आम लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की गई है। तो हरिद्वार में और रुड़की में धारा 144 लागू कर दी गई है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है और साथ ही माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो जिस तरीके से नागरिकता कानून के विरोध को लेकर के लोग सड़कों पर उतरे हैं, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आपने देखी, ऐसा ही कुछ उत्तराखंड में पहाड़ में भी ना हो, इसको लेकर के एहतियातन धारा 144 उत्तराखंड के कई जिलों में लागू कर दी गई है और साथ ही जो भी शांति भंग करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जिला हरिद्वार में धारा 144 सीआरपीसी लागू की गई है। इसका मतलब यह है कि कोई भी संगठन द्वारा कोई धरना प्रदर्शन या कोई विरोध का कार्यक्रम जो है जिला प्रशासन से सही अनुमति प्राप्त करके कर सकें। यदि ऐसा कोई ना करता तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नागरिकता कानून के विरोध में हल्द्वानी में लोगों ने प्रदर्शन के जरिए अपना विरोध जताया। इस दौरान लोगों ने डीएम को अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन भी सौंपा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोगों ने अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन के सामने रखी, जिस वजह से कोई वाद विवाद नहीं हुआ। उधर प्रशासन की तरफ से शहर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। ड्रोन के जरिए भी पुलिस हर हरकत पर नजर रख रही है। प्रशासन का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का हर किसी को हक है, मगर माहौल बिगाड़ने की इजाजत किसी को भी नहीं है। तो पुलिस प्रशासन की भी ये सख्त हिदायत की शांतिपूर्ण तरीके से सभी अपनी बात रख सकते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन भी किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी ने भी हिंसा भड़काई, लोगों को भड़काया या किसी भी तरीके का उग्र प्रदर्शन किया तो इस बात की इजाजत प्रशासन नहीं देगा और साथ ही कार्रवाई भी होगी। जो उनकी भावनाएं हैं और जो कथन है वो उचित माध्यम से ऑनरेबल प्रेसिडेंट तक पहुंचाया जाएगा और आगे भी हम यही अपील करते हैं समाज के सभी वर्गों में कि अमन और शांति कायम रखें और जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं या फाइंडिंग्स हैं वो एक डिग्निफाइड वे में प्रस्तुत करें। नागरिकता कानून को लेकर के हो रहे बवाल को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान आया। हरीश रावत ने केंद्र सरकार के इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया है। तिब्बत में जो बहुत प्रोसिक्यूट हो रहा है उसको हम शरण देंगे या क्या करेंगे, आप बताइए ना, क्लियर करिए सब चीजों को। आप किस, आप केवल क्षेत्र के आधार पर ना करेंगे तो इसलिए ये हर तरीके से इन्होंने केवल राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस कानून को बनाया गया है और इस कानून के जरिए इन्होंने देश के लोगों के मन में आग लगा दी है। तुम अर्थव्यवस्था को नहीं देख रहे हो, बढ़ती बेरोजगारी को नहीं देख रहे हो, खेती को नहीं देख रहे हो, महिलाओं की सुरक्षा को नहीं देख रहे हो। प्याज 150-200 रुपये किलो बिक गया, लहसुन 250-300 रुपये किलो पहुंच गया, तुमको उन चीजों की चिंता नहीं है। तुम ये क्या कैब कैब लेकर के आप का कह रहे हैं। और रुड़की में नगला कुबड़ा गांव में के प्रधान की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यहां पर गंग नहर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है।
विकासनगर में एक कार अनियंत्रित होकर के पलट गई है। कार के पलटते ही उसमें आग भी लग गई। गनीमत ये रही कि कार सवार वक्त रहते बाहर निकल गए, वरना जान बच पाना बहुत मुश्किल था। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने किसी तरह से आग को काबू कर लिया। यह हादसा बड़ावाला के पास हुआ। तो अनियंत्रित होकर के कार पलट गई और पलटते ही कार में आग लग गई। आग को वक्त रहते बुझा लिया, वरना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। देहरादून में रेवेन्यू विभाग के संयुक्त सचिव के घर बाल आयोग की टीम ने छापेमारी की। आरोप है कि संयुक्त सचिव के घर पर नाबालिग बच्चों से काम करवाया जा रहा था। बाल आयोग की टीम के साथ बाल आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी भी मौजूद थी। बताया जा रहा है कि बाल आयोग को शिकायत मिली थी कि संयुक्त सचिव प्रेम प्रकाश के घर पर कुछ नाबालिग बच्चे मौजूद हैं जिनसे काम करवाया जा रहा है। तब उसके बाद ये मैं अपने पास ला गई थी इस बच्चे को। इसको मैंने क्या करते पढ़ा रही हूँ, स्कूल डाल रही हूँ, इसका आधार कार्ड ही करनी पड़ती है। अब एक दिन दो दिन तीन दिन मेरे पास में रेगुलर जब कोई चीज आ रही है मैं तो बिल्कुल बिल्कुल मैंने उस लड़की को बोला देख अब जो आप दूसरी लड़की की बात कर रहे हैं जो 21 साल बोल रही है अपने रुद्रपुर में 14 दिसंबर की रात फैक्ट्री में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात में शामिल रहे दो आरोपियों को पुलिस ने बरेली से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लूट के करीब 14 लाख रुपए की कीमत के ऑटो पार्ट्स और सुरक्षाकर्मी की बाइक भी बरामद की गई। फरार चल रहे आरोपियों की निशानदेही पर लूट के सामान भी बरामद किए गए। सर्वेलांस के माध्यम से जानकारियां की गई तो ये बरेली के बदमाश प्रकाश में आए जिनसे अभी माल बरामद कर लिया गया है। मेन जो ऑटो कंपोनेंट्स के पार्ट्स हैं वो सारे अभी बरामद किए गए हैं। दो लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं बरेली के, जिसमें एक रवि सिंह एक ओमवीर सिंह, ये गांव चौवारी के रहने वाले हैं और इनके दो साथी अभी फरार हैं जिसमें एक का नाम राशिद है और एक का नाम नईम है। उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और उत्तराखंड में हुए स्कॉलरशिप घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है नए खुलासे हो रहे हैं। उधम सिंह नगर में एसआईटी ने ऐसे 1425 छात्रों को नोटिस जारी किया है जिनका सत्यापन अब तक नहीं हुआ। पुलिस लाइन में 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक ऐसे छात्रों का सत्यापन किया जाएगा। जिन छात्रों को छात्रवृत्ति के बारे में अपना पक्ष रखना हो वो संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ पुलिस लाइन जा सकते हैं। उधम सिंह नगर में रहने वाले 3000 छात्रों ने दूसरे राज्यों में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप ली थी। जिले के 1 लाख से ऊपर ना, लेकिन वो अभी मत डालो उसको। जिले के बाहर के 3000 छात्र जिले के 1500 से अधिक छात्रों का हमने वेरिफिकेशन कर लिया है। उसमें कुछ सही मिले कुछ गलत मिले उसको लेके अब तक कई एफआईआर लगभग 9 एफआईआर हमने अलग अलग थानों में उसमें दर्ज कर लिया है, जिसमें कई लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं। अब जो शेष जो छात्र बचे हैं उनके लिए हमने नोटिसेज इशू किए हैं कि वो 23 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में लगभग जो 1400 छात्र है वो किसी भी कार्य दिवस में पुलिस लाइन पे आके अपना बयान दर्ज करा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट दे सकते हैं ताकि उनको विवेचना में शामिल किया जा सके। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा 2008 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। परीक्षा में जसमीत कौर टॉपर रही, रुचिका गोयल ने दूसरा और कार्तिकेय जोशी ने तीसरा स्थान हासिल किया है। आयोग की ओर से जारी हुए आखिरी चयन सूची में 28 अभ्यर्थियों के नाम है और उधर हरिद्वार के नाम है। आपको बता दें उधर हरिद्वार के शुभांगी गुप्ता ने PCSJ में 11वें स्थान हासिल किया है। शिवांगी के पिता पेशे से वकील हैं। शिवांगी का कहना है कि जज बनने के बाद उनकी प्राथमिकता लोगों को बगैर किसी भेदभाव के इंसाफ दिलाने की होगी। देश के लिए, समाज के लिए, स्पेशली अपने स्टेट के लिए, उत्तराखंड के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। और कोशिश क्या मतलब, ये बिल्कुल वही है कि मैं ऑनेस्ट रहूं और चीज़ों के हर पहलू को देखकर एक अच्छा जजमेंट दे सकूं और किसी के भी बीच में पक्षपात जैसी चीज़ मेरे मन में कभी ना आए। तो यही इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोशिश करूंगी कि मैं बहुत अच्छी न्यायाधीश बनूं।
और उधर काशीपुर के लॉ के प्रोफेसर विनीत कुमार श्रीवास्तव ने न्यायिक सेवा परीक्षा में 7वीं रैंक हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि पर उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा है। विनीत कुमार मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले हैं। विनीत ने कहा कि इससे पहले भी उन्होंने 5 बार एग्जाम दिया था मगर कामयाबी अब जाकर मिली। अबे सर हमारे जज बन गए। इसके पूर्व मैंने 5 बार इंटरव्यू दे रखे हैं जिनमें सफलता नहीं मिली, परंतु अंतिम सफलता मुझे इस बार 6ठी इंटरव्यू में जो उत्तराखंड न्यायिक सेवा का दिया यहाँ मिला। तो इस सफलता के लिए जो भावी प्रतियोगी हैं उनको मेरा यह संदेश है कि वो पूरे समय में इस बात के चिंता को हटा दें कि रिजल्ट क्या है और वो पूरी तन्मयता के साथ लगे। मसूरी दौरे पर पहुंचे कई राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने पहाड़ों की वादियों की सैर की है। इस दौरान ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष भी सूर्य नारायण पात्रा ने पहाड़ों की रानी की खूबसूरत वादियों की तारीफ की। सूर्य नारायण पात्र ने कहा कि सदन के दौरान बेवजह हंगामा करना ठीक नहीं है, विपक्ष को अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखनी चाहिए। विधायक वेल को आ जाते हैं, हल्ला गुला करते हैं, उनका बात ही सुनना के और रूलिंग के लिए डिमांड करते हैं। इसके बारे में क्या किया जाए, कैसे ऑर्डर को हाउस को लाया जाएगा, इसके बारे में बहुत ओपिनियन डिफरेंट चीज से आया था। हम ओडिशा से तरफ से भी हमारा वक्तव्य रखा और माननीय वाचस्पति ने ये निर्णय लिया कि एक कमेटी बनाए और पार्लियामेंट में जो ऑफिस है उनका उसको ऑफिस बनाए। और राज्य की सबसे पुरानी बार एसोसिएशन में शुमार काशीपुर बार एसोसिएशन के चुनावों की घोषणा होने से वकीलों में खुशी है। बार एसोसिएशन के 24 दिसंबर को मतदान होगा। काशीपुर बार एसोसिएशन 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है और इसके सबसे पहले अध्यक्ष भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। हमारे यहाँ 2 वार्षिक चुनाव होता है। 2 वार्षिक चुनाव में जो है चुनाव हमारा डिक्लेयर हो चुका है, उसमें जो है इलेक्शन कमिश्नर श्री पराग नेगी जी को नियुक्त कर दिया गया है और उनके साथ में सहायक आयुक्त के रूप में मुझे भी नियुक्त किया गया है। 24 तारीख को प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो चुका है। 24 तारीख को हमारे यहाँ इलेक्शन है। बार एसोसिएशन की लिस्ट जो मेंबरशिप की थी जिनको वोटिंग का राइट है वो बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड से अप्रूव होकर के आज आ चुकी है जो शिलापट पर प्रदर्शित कर दी गई है। माहौल एकदम सब लोग उत्साहित हैं और इसमें थोड़ी सी मशक्कत इसलिए भी हुई कि एक तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने परमिशन दी है चुनाव कराने की, क्योंकि उनकी एसोसिएशन जनवरी में है और उसके बाद जो चुनाव है किसी भी एसोसिएशन के वो फिर टल जाते हैं, इसलिए तो माहौल इसलिए उत्साहित है और सब लोग अपना अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। रुड़की में ऊर्जा निगम को बिजली बिल का बकाया वसूलने में पसीना छूट रहा है। दरअसल मार्च महीने में विभाग को बिजली बिल वसूल की फाइनल रिपोर्ट भेजनी होती है और इस बार रुड़की नगर निगम पर भी 98 लाख रुपए का स्ट्रीट लाइटों की बिजली बिल बकाया है, जिसे लेकर ऊर्जा निगम ने नगर निगम रुड़की को नोटिस भेजा है। ऊर्जा निगम का कहना है कि 15 दिन के अंदर बिल को जमा करवा दें, नहीं तो कनेक्शन काटने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग ने सभी से अनुरोध किया है कि अपने बिजली के बिलों का भुगतान करें, जिसमें नगर निगम भी शामिल है। उस पर करीब हमारे 98 लाख का बकाया है और हमने एमए साहब को एक पत्र लिखा हुआ है कि अविलंब उसका भुगतान करें, क्योंकि सरकार से भी ये निर्देश हैं कि जितने भी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत हैं, ये अपने लोकल लेवल से ही भुगतान करेंगे, सरकार इसका भुगतान नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई पावर कमेटी उत्तरकाशी पहुंची और ये हाई पावर कमेटी इको सेंसिटिव जोन की गाइडलाइन में हो रहे कामों की सही जानकारी ले रही है। कमेटी के अध्यक्ष का कहना है कि इको सेंसिटिव की गाइडलाइन के तहत स्टडी कर इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। कमेटी का कहना है कि ऑल वेदर रोड का निर्माण इको सेंसिटिव जोन की गाइडलाइन के हिसाब से ही होगा और इस दौरान स्थानीय विधायक ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पहाड़ की भौगोलिक स्थिति देखते हुए कम से कम 10 मीटर चौड़ी सड़क बननी चाहिए। वो चाहते हैं कि सुखी टॉप से सड़क निकले और ये बात जोनल मास्टर प्लान में भी आ चुकी है। बीआरओ के और अपने विकल्प भी हैं, तो हमने केवल वहां पर जाके अध्ययन के रूप में नोट कर लिया है
क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट से ये क्लियर आदेश है कि हम अगर कोई भी रेकमेंडेशन करते हैं तो केवल इको सेंसिटिव जोन की गाइडलाइंस के अंतर्गत ही कर सकते हैं, उनके बाहर नहीं जा सकते। मैंने इससे पूर्व भी ये टीम आई थी, मैं उस समय मिला और आज लिखित रूप से भी मैंने इनको दिया है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग रोड है गंगोत्री तक की, उसको उसकी बाइंडिंग होनी चाहिए, जहाँ पर 10 मीटर से अधिक अगर कहीं जगह मिलती तो ठीक है, नहीं तो 10 मीटर रोड वो ज़रूर होनी चाहिए। बहुत जगह जो है गंगानी में हो, जब यात्रा रूट में जो है इतने जाम लग जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। औली में इस बार इतनी बर्फबारी हुई है कि उसकी ठंडक विदेशों तक पहुंच रही है। यूरोप से भी लोग औली की बर्फीली वादियों पर स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि देश में पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है। औली में इस खेल की शुरुआत अब मैं अनुरोध करूंगा बर्जी से कि 2-3 अतिथि को ये पहना करके थोड़ा सा ये एक इंटरनेशनल स्नो और इसको हम इंडिया में इंडिया के औली में पहली बार लॉन्च कर रहे हैं। इसमें यह है कि टूरिज्म के क्षेत्र में टूरिस्ट के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, अलग एक्टिविटीज के लिए इसका महत्व, इसको हम रेस्क्यू में यूज कर सकते हैं, फॉरेस्ट रेंजर्स इसको पहन के अपने एरिया में विजिट कर सकते हैं। तो हमारी ये था कि औली जो हमारा टूरिस्ट इसकी डेस्टिनेशन है, यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हम अलग अलग एक्टिविटीज करते रहे, तो उसी का एक हिस्सा ये भी है। और अभी ये हम लोग इसको टूरिस्ट के लिए लाए हैं, धीरे धीरे हम इसको अपने इवेंट्स में, अपने गेम्स में भी इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वहीं औली में बर्फबारी ऐसी हुई कि सैलानियों के साथ स्थानीय कारोबारियों के भी चेहरे खिल उठे। क्रिसमस और नए साल के मौके पर सैलानियों की भीड़ और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय जो व्यवसायी हैं वो भी काफी ज्यादा खुश हैं। बर्फबारी के बाद औली गुलजार है। क्रिसमस और नया साल करीब है, इसीलिए सैलानी काफी पहले से ही झुकने लगे हैं। औली की वादियां सैलानियों का स्वागत कर रही हैं। माहौल इतना खुशनुमा है कि सैलानी की मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई है। काफी बर्फ थी तो उस टाइम थोड़ी रोकी गई थी चेयरलिफ्ट, पर ट्रॉली तो हमारी लगातार चल रही है और पर्यटक की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है। कई लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से वो लोग यहाँ रुक रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे टिकट लेके जा रहे हैं। नए साल को लेकर सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिस वजह से रोपवे की बुकिंग फुल है और वर्ष के अपेक्षा इस बार एक महीने पहले ही स्नोफॉल हो गई है, इससे काफी फायदा होता है और उससे टूरिस्ट को भी, इससे क्योंकि पहले जो टूरिस्ट आते थे उनको टाइम पे बर्फ नहीं मिल पाती थी, इस बार अच्छी बर्फ होने के कारण टूरिस्ट का रुख ज्यादा बढ़ेगा इससे। औली में इस बार कुदरत ने दिल खोलकर बर्फबारी की है, जिस वजह से औली की बर्फीली ढलानों पर बर्फ जम गई है। स्कीइंग के शौकीन खूब लुत्फ उठा रहे हैं। और यहाँ पर लगभग 6 फुट बर्फ है। आने वाले समय में जो विंटर गेम्स प्रस्तावित हैं, इसके संबंध में यह अवगत कराना है कि एक जिला जो है जिला पर्यटन अधिकारी व साहसी खेल अधिकारी पर्यटन मुख्यालय के साथ यहां संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है स्लोप का, और स्लोप जो है काफी अच्छी अवस्था में है और आने वाले समय में जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। बर्फबारी के बाद चमोली में आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग बर्फ में चलकर जैसे तैसे रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं।
मुश्किल भले ही कितनी हो, ये बर्फबारी देकर सैलानियों के साथ साथ स्थानीय व्यवसायी और पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। जब अभी ये हाल है तो नए साल के मौके पर और भीड़ उमड़ने वाली है। जोशीमठ से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो मौसम में अचानक बदलाव से यमुनोत्री धाम में एक बार फिर से 6 फीट तक बर्फ जम गई है। धाम के आसपास का इलाका पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। हालांकि मौसम खुल गया है और गुनगुनी धूप के साथ दिन की शुरुआत हुई। यमुनोत्री धाम में अभी भी हनुमान मंदिर में साधु संन्यासी रहते हैं, जो कि पूरे शीतकाल में यमुनोत्री धाम में ही रहते हैं, जबकि कपाट बंद होने के बाद यमुनोत्री धाम की यात्रा बंद हो जाती है और यमुना जी की डोली अपने शीतकालीन प्रवास खुशीमठ में 6 माह के लिए रहती है। टिहरी झील और आसपास के क्षेत्रों को एडवेंचर स्पोर्ट्स हब के रूप से विकसित किया जा रहा है। वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के बाद अब झील से सटी पहाड़ियों में एरो स्पोर्ट्स की संभावनाओं की तलाश की जा रही है। पर्यटन विभाग और हिमालय एरो स्पोर्ट्स एसोसिएशन की टीम ने झील के दोनों ओर पैराग्लाइडिंग के लिए कुछ स्पोर्ट्स भी चिन्हित कर लिए हैं। प्रतापनगर ऐसी साइट है जो कि विश्व स्तर की साइट बन सकती है अगर इस पर थोड़ा सा काम करा जाए। आज की तारीख में पिछले 2 रोज से जो यहाँ पे रेकी कर रहे थे, फ्लाइंग कर रहे थे, हमारे इंटरनेशनल विजिटिंग पायलट्स थे, हमारे लोकल पायलट्स भी थे, तो 2 जगह हमने जो है प्रतापनगर में ढूंढ के निकाली हैं जो कि अगर थोड़ा सा काम करा जाए तो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की साइट बन सकती है। तो ये साइट हमारी बहुत डेवलप हो सकती है। तो उसी के संबंध में हम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि फरवरी में यहाँ पे SIV ट्रेनिंग की जाए और जो हमारे आगे फेस्टिवल वगैरह डेली लेक फेस्टिवल होते हैं या थ्रू द ईयर हम यहाँ पे एक्टिविटी चालू रखें, उस संबंध में हम इस पर बातचीत कर रहे हैं और इसको हम जल्दी इसको शुरू करें। क्रिसमस और नए साल के मौके पर उत्तराखंड बर्फबारी वाले इलाकों में सैलानियों की आवाजाही बढ़ रही है, मगर रामनगर के कॉर्बेट पार्क में सैलानियों का रुझान कम नजर आ रहा है। अभी तक रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट में 30% बुकिंग ही हो पाई, जिस वजह से पर्यटन कारोबारियों में मायूसी है। हालांकि पर्यटन कारोबारी फेस्टिवल सीजन की तैयारी में जुटे हैं, उन्हें उम्मीद है कि क्रिसमस और नए साल पर सैलानियों की भीड़ देखने को मिलेगी। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी गंगा। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।